प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और जब भी मेरे साथ कोई भी पर्सन मेरे शो में प्राइड ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइन करता है तो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, वो वाकई में प्राइड ऑफ पाकिस्तान होता है। कहना चाहूँगी अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस वक्त मैं जिस शख्सियत का नाम लेना चाह रही हूँ उनके साथ एक जुमला जोड़ना चाह रही हूँ, इंसान दोस्त शख्सियत। प्राइड ऑफ पाकिस्तान में उनका जो स्टैंडर्ड है, जो कैपेबिलिटी है, वो इस पे कोई शक नहीं, शक नहीं कि वो फ़ख्रे पाकिस्तान है। इस वक्त मैं नाम लूँगी चेयरमैन निज़ामी हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर सैयद महबूब हसन निज़ामी की। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा अपना किरदार निभाया जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत हुई वो एक आवाज़, एक नेशन को सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े हुए। अभी फ्लड में आप देखेंगे, इसके अलावा जो भी डिज़ास्टर आता है वो अपने हेल्थ, क्योंकि ही इज़ अ डॉक्टर और माशाल्लाह उन्होंने हर्बल एंड होम्यो में एक डिग्री हासिल की है, फिर मेडिसिन में उन्होंने एक जो ऑथेंटिक डिग्रीज हासिल की हैं, बहुत सारे मेडिसिन में उन्होंने जो है डिग्रियाँ हासिल की हैं। तो उन्होंने अपनी डिग्रियों को ये नहीं समझा कि यार ये सिर्फ मेरी एजुकेशन है और मैं इसको लेके चलूँ, नहीं, उन्होंने एक सोशल वर्किंग में बड़ा नाम कमाया। और लोगों की हेल्थ के लिए देखा जाए तो एजुकेशन के लिए देखा जाए, उन्होंने दोनों चीज़ों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया। इसीलिए तो मैंने कहा कि इंसान दोस्त की बात करें तो इस वक्त हमारे दरमियान कौन सी शख्सियत मौजूद है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सैयद महबूब हसन निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? थैंक जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सभी, आपने मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के इस इवेंट का एक हिस्सा बनाया, तो आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेट थैंकफुल टू यू बाय द ब्लेसिंग ऑफ द अल्लाह एंड माय पेरेंट्स के जो आप काम करना चाह रही हैं। बहुत सारे लोग इस सिलसिले में काम करते हैं, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो लोग काम कर रहे हैं खुसूसन पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट सतह पर या प्राइवेट सेक्टर में, और आपने उन शख्सियात को एक कूजे में जमा कर दिया है और उनको जो एक्नॉलेजमेंट कर रही हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ बड़ा अमेजिंग वर्क है और वक्त की ज़रूरत भी थी। सर, ये तो वीनस HDTV चैनल एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान में जब आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन बेसिकली ये तो हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड है, छोटा सा, लेकिन आपके में बहुत सारे यहाँ पर इशरत अली बार्ड साहब, फारूक सत्तार साहब और माशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आपको अप्रिशिएट किया, या बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ, गिलानी साहब को देख रही हूँ, ये सब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब आप लोगों आपको अप्रिशिएट करें आपकी वर्किंग जो मैं देख रही हूँ। और आप, मैंने देखा कि आप उन इलाकों में, दही इलाकों में जा रहे हैं, अभी फ्लड की बात करूँ वहाँ पर आप टोटल एक्टिव हैं, और उन जगहों पर जहाँ एजुकेशन बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट सतह पे इतनी सपोर्ट नहीं की जा रही, उस जगह पर आप खुद मौजूद हैं। हर, यानी कि हेल्थ की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, तो मैं एक सिर्फ छोटा सा सवाल करना चाहूँगी महबूब साहब। ये तो हमारा एक प्राइड ऑफ पाकिस्तान में है, एक हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों ने, बहुत इंटरनेशनल लेवल आपको अप्रिशिएट करता है, आप बहुत सारे कंट्रीज़ में गए हैं इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे अमेरिकन, ईरान, डिफरेंट कॉन्सर्ट जर्नल आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको फ्लैग देते हैं, मोहब्बत की उनके साथ एक आपकी इंट्रैक्शन है। मैं सिर्फ ये पूछूँ कि महबूब निज़ामी कौन है, कहाँ से आए, बचपन कैसा था, और महबूब निज़ामी के दिल में मेड इन पाकिस्तान का जो ठप्पा है वो कैसे क्रिएट हुआ? अच्छा, हमारा जो सिलसिला है ख़ानदानी हज़रत निज़ामुद्दीन उलिया महबूब इलाही से शिजरा नसब हमारा मिलता है, वहाँ के ख़ानजादगान हैं हम लोग। और क्योंकि वालिद साहब मेरे इसके सज्जादा नशीन दरगाह निज़ामुद्दीन उलिया थे, पहले पाकिस्तान में सिलसिला निज़ामिया चलाते रहे, हमारी खानकाह गुलशन मामार के साथ एहसन आबाद में है, और 2000 गज़ पे उस खानकाह में हमारे यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह हाफिज़ कुरान बच्चे बनते हैं, बच्चे और सुभान बच्चियाँ। अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, वो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने सिलसिला शुरू किया, उनका इंतकाल होने के बाद, पर्दा करने के बाद वो सिलसिला गद्दी नशीनी मुझे मिल गई, तो हमारा वो सिलसिला भी है जिसमें
पीरी मुरीदी का भी सिलसिला है, लोग बड़े अकीदत के साथ आते हैं, क्योंकि कुछ मॉडर्न माहौल में मैं रहा, मेरी सारी तालीम पाकिस्तान से बाहर रही। 20-22 साल का अरसा मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। मेरा एक शौक़ था, एक विजन था, क्योंकि वाली साहब भी हर्बलिस्ट थे और एक जामे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करते थे कि अगर रोज़ाना 100 मरीज़ आ रहे हैं तो 20 मरीज़ों से पैसे नहीं लेते थे। कहते थे, बेटा अल्लाह, ये हमारी खसूसियत होनी चाहिए कि बड़ी जो बात बंदा डिज़र्व करता है और नीडी है, उसको बगैर सवाल किए हुए फ्री आपको दवा देनी है, और उसे फ्री के लिए उसके पर्ची पे एक 3 लाइनें लगा दिया करते थे। एक कोड होता था, मरीज़ को पता भी नहीं चलता था, जब वो काउंटर पे दवा लेने जाता था तो जो है। डिस्पेंसर कहता था, जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये फ्री में दवा है आपको, अब डॉक्टर साहब जाने और आप, तो उसको भी बड़ा अच्छा महसूस होता था। वही सिलसिला बचपन से मेरे अंदर पैदा होता रहा। मैंने इंटर पाकिस्तान से किया, फिर होम्योपैथिक में और हर्बल में। मैंने यहाँ से डिग्री लेने के बाद मैं श्रीलंका चला गया, कोलंबो। अच्छा, सेलोन में मैं रहा, OICM यूनिवर्सिटी के अंदर मैं 5 साल, अल्टरनेटिव मेडिसिन में PhD और MD मैंने वहाँ से किया। माशाल्लाह महबूब भाई, माशाल्लाह, बहुत फिर जबरदस्त। फिजियोथेरेपी किया, वहाँ से फिर मेरा सफ़र हुआ मलेशिया। मलेशिया में 2-2.5 साल का अरसा मैंने गुजारा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक कोर्स था वो मैं वहाँ फुलफिल किया। उसके बाद चाइना जाना हुआ, तो अफ्रीकन कई कंट्रीज़ में गया हूँ ऑन बोर्ड, ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान आए तो उसके बाद ये हुआ कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, क्योंकि बिल्कुल, आप इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकते, और अपने ग्रुप के लोगों को, जो मेरे बेजमेंट थे पुराने फॉरनर्स जो गोरे मेरे साथ पढ़ते थे जिस जिस कंट्री में, उन सबको मैंने दोस्त बनाया और उन्हें कहा कि क्यों ना हम सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट सेक्टर पे काम करें, हेल्थ अच्छा, एंड एजुकेशन के लिए। तो जबरदस्त, उन्होंने कहा, यार हम आपके साथ हैं। अच्छा, हमने कोशिश की कि किसी के साथ फंड रेजिंग ना करें, ओके, पैसे ना मांगें, ठीक, और अपना मकसद में जो है हम उसको अचीव करें, अपने गुड, टारगेटेड काम करें कुछ। उसमें रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी पज़ीराई दी, गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके हमने बड़े अमेजिंग किस्म के काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास अपनी एम्बुलेंसेस हैं, हाँ ये और भी है बिल्कुल। किस नाम, महबूब हम निजामी, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन के निजामी नाम की ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एम्बुलेंसीस गुड, हैं। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, फ्री आई स्कैनिंग हमारी ओके, होती है, और फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री जनरल माशाल्लाह। यानी ओपीडी। ग्रेजुअली आपको पता चल गया क्या क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और किन किन लोगों को क्या क्या फैसिलिटेशन देनी जी जी चाहिए। जी तो बिल्कुल आपने ग्रेजुअली, यानी कि एजुकेशन करते, मेडिसिन करते, फिर आपने एम्बुलेंस को भी किया, ये बड़ी बात होती है। फिर स्टेप बाय स्टेप फिर तो आगे, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और कारमा में अब यह है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम हमारे साथ शामिल माशाल्लाह, है, और हम हेल्थ एंड एजुकेशन में काम कर रहे हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में काम कर रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्हें हमने निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपनी अम्ब्रेला में लिया हुआ है, बच्चों को सस्टेन कर रहे हैं, उन्हें स्कार्फ दे रहे हैं, किताबें देते हैं, शूज़ देते हैं, कॉपीज़ देते हैं। तो बस जो अल्लाह ताला खिदमतें ले रहा है, हमारे बस की बात नहीं। माशाल्लाह। आपने कहा मैंने एजुकेशन बाहर हासिल की, और बहुत सारे लोग जो हैं आपके साथ कनेक्टिविटी में हैं, और जी जी आपने यानी कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ऑफ कोर्स, आप अक्वामे मुत्तहिदा के SDGs गोल्स पर काम कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी UNA सस्टेनेबल गोल्स बाय कि कन्वीनियंट सदर भी है। तो इसका थोड़ा मैं चाहूंगी SDGs गोल्स पर काम करें, ये क्या चीज़ है। अच्छा, क्योंकि अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में जो हेल्थ एजुकेशन और तमाम चीज़ों पे काम होता है वो UN एजेंडे के मुताबिक होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे मुल्क के सरबराहान भी अक्वामे मुत्तहिदा अमेरिका में जाके बैठते हैं, वहाँ अपना रेजोल्यूशन देते हैं, फिर जो उसमें ओपिनियन लेना हो, जो भी चीज़ इनको अपने तौर पर बनवाना होती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो अक्वामे मुत्तहिदा से होती है। अक्वामे मुत्तहिदा ने शुरू किया था आज से कई साल पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कि एक ओके, एजेंडा है, इस हदफ को हमने कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें कुछ काम हो नहीं सका। फिर वो लेकर आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs। ओके ओके ओके, उनका ये कहना है कि कोई भी चीज़ है उसको पायदार तरक्की में उस हदफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, 2030 इस एजेंडे की डेडलाइन है, यानी कि उससे पहले टारगेट पहले दिया जाता है जी कि जी एक टारगेट ओके है। ओके, अच्छा, टारगेट बड़ा अमेजिंग टारगेट है, बहुत खूबसूरत। मैं आपको बताऊँ इसको थोड़ा सा ज़रा डीपली यानी कि एक्सप्लेन करके। सवाब करने का काम हो गया अक्वामे मुत्तहिदा ये कहते हैं कि अगर कोई गरीब है उसकी ना। लाइफ को आप कैसे संभाल सकते हैं? बड़ी बात है, सवाब ही हो गया ना। अक्वामे मुत्तहिदा ने बात कैसे ली? हमारे सरकारे दो जहां ने आज से कई साल पहले आय फरमाया हाय, था सुभान, कि इंसानियत की खिदमत में अजमत है, बेशक,
कोई अगर आपसे गरीब तर आदमी है, लेस प्रिविलेज एरियाज में रहता है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, उसको बिल्कुल आप बिल्कुल डेवलप करें, ठीक उसका है, साथ पकड़ें, उसका बिल्कुल साथ दें, कोई भूखा है उसको खाना खिलाएं। यही काम अक्वामे मुत्तहदा ने एसडीजीज में तब्दील कर दिया है ओके कि कोई अगर भूखा है आप उसको खाना खिलाएं, उसकी लाइफ को संवारें। मिसाल के तौर पे कोई बेगर है, फकीर है, भीख मांगता है, तो उसे हम एसडीजीज के हिसाब से अगर लें, अगर हम उसे वेट मशीन दे दें और उसे कहें जी अब लोगों का वजन चेक करो, और पैसे पैसे नहीं कमाओ, मांगो, किसी के आगे तो वो हाथ अपनी नहीं लाइफ फैलाए। सस्टेन कर जाएगा। कोई गरीब है उसे ठेला दिला बड़ी दे, कुछ फ्रूट दिला दे वन टाइम, बात है, बड़ी तो बात वो है। अपनी लाइफ को इस मामले से निकल आएगा। एजुकेशन नहीं इस हासिल फील्ड कर के सके, रोजगार प्रोवाइड कर दिया रोजगार तो वो प्रोवाइड कर मोहताजगी दिया। खत्म हो जाती है, जी तो ये बड़ी अच्छी बात है आपने उनके साथ मिलके। अच्छा, अब ऑफ कोर्स एक बड़ा इदारा है हमारे पाकिस्तान में, फेडरेशन, जी जी तो उसके भी आप कमेटी के कन्वीनियंट सदर भी हैं, तो जी वहाँ पर आपकी क्या एक्टिविटी रेलेवेंट टू योर फेडरेशन? हम क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने इस मर्तबा ये किया है कि पिछले 2 साल से, इस दफ़ा टर्नओवर भी बड़े इरफान शेख साहब का है, वो बहुत एक्टिव शख्सियत हैं फेडरेशन के जो प्रेजिडेंट हैं, तो हम मिलके काम कर रहे हैं एसडीजीज पे, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड रख के कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं उस पर काम किया जाए। इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है, ग्रीन बिल्डिंग पाकिस्तान या डिजिटल पाकिस्तान को उस फ्रेमवर्क में ले जाएं कि 2030 तक हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे तब्दीलियाँ ले आएँ, मौसमियाती तब्दीली, एजुकेशन को रिफॉर्म करें, हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके, उनके साथ कोलोबरेशन करके, उनके साथ कंसोशियम करके। अच्छा, जिस तरह मैं अभी देख रही हूँ कि वाकई में, क्योंकि जो लोग वर्किंग करते हैं उनको बहुत करीब से मालूम होता है कि नीडी लोग कितने, जी और अब तो जी डिजास्टर आया, फ्लड के ऊपर इतना लोग लगे हुए, तो क्या महसूस करते हैं यार हमारे पाकिस्तान में, कौन सी लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ हेल्थ है, या बेरोजगारी है? हमें बेसिकली, जो देखिए बेसिकली चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना, दो तीन चीज़ें जो बड़ी ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूरत होती है, आपको कहाँ लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीपली वर्क कर रहे हो, लोगों के साथ इन टच में हो, तो आपको क्या लगता है कि अभी किस चीज़ की मज़ीद हमारे आवाम को ज़रूरत है? असल में हमारे यहाँ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से ठीक निकल रहे हैं ठीक है बच्चे, और बच्चियों को स्कोप नहीं मिल पा रहा। ओके स्कोप क्या है कि डिग्रीज तो ले ली, काम नहीं है आगे। ओके नौजवान तबका मेहना रवि का शिकार है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा बिल्कुल रोड मैप क्या है। ठीक है बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन के लोग हैं, कि इनको एम्पावर करें। एम्पावर कैसे करें कि अपनी अपनी फैक्ट्रियों में जो CSR का फंड होता है वो उन इदारों को दें जहाँ पे बच्चों को मोबिलाइजेशन हो उनकी, और वो कुछ टेक्निकल वर्क सीखें, ठीक है अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करेंगे। कोई अगर अभी देखिए, डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं कम से कम। बिल्कुल एक सही डॉक्टर कहा। बन के जब बच्चा निकलता है तो उसको 40-50 हज़ार रुपये की डॉक्टरी की जॉब नहीं मिलती। तो अब बच्चा कहाँ जा रहा है, बाहर जा नहीं सकता, पेरेंट्स यहाँ हैं, बहन भाई यहाँ हैं, तो उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। वो क्या करते हैं बच्चे या बच्चियाँ, जब कोई काम नहीं मिलता था, किसी छोटी डिस्पेंसरी को भी चलाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा सरमाया चाहिए, जगह जगह डॉक्टर्स बैठ गए। हमें अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छे अच्छा वोकेशनल सेंटर की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिटी को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो तमाम लोग आएं और इस सेक्टर में अपने अपने हिस्से का काम करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों में सस्टेन कर जाएं। ओके अच्छा, बस इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि हॉस्पिटल्स की बात की तो बहुत, क्योंकि आप हेल्थ से रिलेवेंट और बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, यू आर डॉक्टर, आप माशाल्लाह होम्यो भी और हर्बल को, दोनों को आपने इतनी सारी डिग्रीज हासिल की हैं, और मेडिसिन में आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है, तो मैं आपसे ब्रेक के बाद सवाल करूँगी। और नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, महबूब हसन निज़ामी साहब हमारे साथ हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद सभी के साथ। Thank you.
एक बार फिर खुशामदीद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो मैं हूँ सभी और हमारे साथ हैं बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और पहली बार एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वाले पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन और बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर में हमेशा आगे कदम बढ़ा के अपने आप को मनवाया है कि वो हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन हुब्बुल वतनी को प्रेजेंट करते हुए बेहतरीन पाकिस्तानी। तो मैं कहती हूँ यार तो यू आर अ मेड इन पाकिस्तान। तो वो हैं डॉक्टर सैयद महबूब हसन निज़ामी साहब, इंसान दोस्त। इनके साथ एक जुमला जोड़ती हूँ, इंसान दोस्त। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ महबूब साहब आपको और बात करूँगी ये इसके बारे में बताएं। डॉक्टर महबूब हसन निज़ामी एडवाइज़र हैं एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि एविएशन सेक्टर में इतना बड़ा काम हुआ नहीं है आज तक, ओके लोगों को एविएशन जहाज़ के बारे में, जहाज़ के क्या सिलसिले होते हैं, इसका कुछ तो पता आपका नहीं क्या है। ताल्लुक? यही तो मैं अच्छा, सोच मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक विजन है कि ओके पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस लेके आऊँ, ठीक है। और अच्छा वो जबरदस्त। अब और लग रहे हैं आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान। दैट्स अ गुड। यानी कि एयरो यानी कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ओ क्योंकि माय आप देखिए गॉड। ना कितने डिसास्टर हो जाते मैं हैं, समझ मैं समझ तो शहर से दूर यार रास्ते फ्लड ही में हैं। अभी महबूब साहब आप देख रहे थे, फ्लड में लोग जी पानी में फंसे हुए थे तो उनको कोई निकाल नहीं पा रहा था। हमारे जहन में हमेशा रोड एम्बुलेंस हो। ये जीनियस आइडिया, जीनियस आइडिया। तो हम यस ये चाहते हैं कि एक केयर फॉर ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत ओके का ख्याल किया जाए, ओके और एम्बुलेंस से, क्योंकि गाड़ी या एम्बुलेंस या व्हीकल इतनी तेज़ी से नहीं जा सकती उस बिल्कुल पॉइंट पे कि बिल्कुल जिस तरह रात को एक गाड़ी का हादसा हुआ है, आप देखें 25 लोग उसमें इंजर्ड हो गए, अगर हेलीकॉप्टर या इस तरह की कोई सर्विस होती तो उन लोगों को हम बचा सकते थे, रेस्क्यू कर सकते थे, जलने से बचा सकते थे। एविएशन सेक्टर में पाकिस्तान के पहले एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कर्नल वली मुगनी साहब, ओके जिन्होंने एविएशन में अमेरिका की अमेरिडल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, ओके और इंस्टीट्यूट हाल ही में पाकिस्तान में अभी बना है, साल भर हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको विजिट करने वाले भी हैं अभी दिसंबर में। डॉक्टर साहब ने मुझे ऑन बोर्ड रखा अपने साथ कि यार आपका विजन है एयर एम्बुलेंस प्लस एविएशन सेक्टर को हम किस तरह एसडीजी से कनेक्ट करके डेवलप करें पाकिस्तान में। जबरदस्त। तो हमने यूनिवर्सिटियों के साथ एमओयू किया है कई, और यूथ को अब बता रहे हैं कि यार आपका विजन ये नहीं है कि सो जाना और घर और किताब और कॉलेज, नहीं, आप अपने साथ सोशल एंगेजमेंट रखें, एनजीओस के साथ मिलके काम करें, चाहे हमारा इदारा है चाहे गवर्नमेंट का है, ठीक क्योंकि ठीक ये वतन हमारा है और हम आए इसके पासवां हैं। हाय हाय ये वतन हमारा है, हमें पास बाय। इसके एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड साहब का कमिश्नर साहब ने आपको दिया, कमिश्नर कराची। जी, कमिश्नर साहब जो कराची के साहब का थे वो मुझे एम्बेसडर ऑफ पीस यूँ दिया कि मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन में, इंटरफेथ हार्मनी में बहुत ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान में काम किए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस कराई, लोगों को ऑन बोर्ड रखा, मिनोरिटीज़ को और तमाम दूसरे मजाहब के लोगों को एक जगह जमा करके इंटर हारमनी और इंटरफेथ की बात की, पीस की बात की, पाकिस्तान की बात की। क्या बात है, पाकिस्तान की बात की। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया। मैं आपके यहाँ पर वॉल के ऊपर बहुत सारे आपके अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशन रिगार्ड्स और मेडल्स एंड बहुत कुछ देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई पाकिस्तानी है जो अपने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बना रहा है और लोगों को बता रहा है कि हमारे अंदर कितनी हुब्बुल वतनी है। एग्जाम्पलरी सर्विसेज गोल्ड मेडल ओवरसीज मिनिस्ट्री ने आपको तालीमी और फलाही काम के सिलसिले में दिया। सर बताइएगा क्योंकि डॉक्टर ये फारूक बहुत बहुत सत्तार एक्सपेंसिव और बहुत वैल्यूबल अवार्ड है। मैं मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ओवरसीज़ मिनिस्टर थे अच्छा गुज़िश्ता पहले की बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल में, जी तो आपने मुझे एग्जेम्पलरी सर्विसेज गोल्ड मेडल अवार्ड इस्लामाबाद में दिया था एज आ ओवरसीज़ मिनिस्टर, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लोगों के साथ काम किया है, और फारूक सत्तार साहब की मिनिस्ट्री जो थी वो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री थी, तो वो रिकग्नाइजेशन मुझे एक एक्नॉलेजमेंट उन्होंने कहा और दी सर्टिफिकेट भी और एक गोल्ड मेडल भी, जो माशा इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीब थी, और उसमें काफ़ी ऐसे सेक्टर्स के लोग आए हुए थे जिन्होंने इंटरनेशनली कुछ काम किया था। अच्छा जैसे आपने कहा कि मैं ऑफ कोर्स आपने क्योंकि डॉक्टर हैं हम होम्यो हर्बल में दोनों को आप बोध को लेके चल रहे हैं और जब मैं ये सोच रही हूँ आपने कहा कि मुझे एक हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है या मुझे क्रिएट करना है। उस हॉस्पिटल में क्या देखिए अभी जिना हॉस्पिटल है सिविल में लोग बेचारे कितने परेशान जो जो वहाँ से आते हैं इंटीरियर सिंध से आते हैं
उनका न रहने न सहने, बेचारे अपनी बीमारियां यहाँ लेकर आते हैं। तो आपके जहन में ऐसी कौन सा हॉस्पिटल है जो सबको फैसिलिटेट करे, वो कितनी बड़ी रेंज पे बनाने का इरादा है आपका? देखिए, जब हमारा एक्चुअली हमारे मुल्क का, हमारे शहर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना बन सका, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से काम करना चाहती है, तो हम फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं। मसला ये है कि सांप सीढ़ी वाला के ऊपर चढ़े फिर नीचे आगे वहीं पर चढ़े। गवर्नमेंट के साथ अगर बिजनेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड होती है, ठीक है, और बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए था कि जब शुरू में जो 5 हॉस्पिटल बने, 4 हॉस्पिटल कराची में, वही आज तक हैं। आबादी उस वक्त ही 1 करोड़, अब हम 4 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। तो अब पॉइंटेड पॉइंटेड, हमें बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉइंटेड। काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने पैसे मुख्तलिफ जगहों के बजाय कम्युनिटी बेस पे छोटी छोटी डिस्पेंसरीज अगर इलाकाई सतह पर बना दें, जिस तरह हमारे कराची को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में तब किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए जीना जाना पड़ता है, रास्ते का ट्रैफिक, मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है, बिल्कुल एम्बुलेंसिस को दूर रास्ता नहीं लंबा मिलता। डिस्टेंस, ठीक, तो बहुत ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इस्टेब्लिश करें हॉस्पिटल के, बहुत वैसे आइडिया बहुत जी ज़बरदस्त है काम होना कि आपने चाहिए। कहा कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन मैं वो तो ऑफ कोर्स, ये तो आपने एक ओपिनियन दिया गवर्नमेंट को, लेकिन आपका भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका आपकी सोच भी ऐसी कि आप भी कोई छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाएं या एक हम गवर्नमेंट को मुख्तलिफ वक्तों में दरख्वास्तें देते रहे हैं, के डी ए को भी दी है और रेवेन्यू बोर्ड को भी दी है कि हमें हॉस्पिटल के लिए कोई जगह दी जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। पाकिस्तान, असल में हम जो बाहर से लोग पढ़कर आते हैं पाकिस्तान, उनका एक विजन होता है कि अपने मुल्क के लिए काम करना है, और हमें तो इतने वसाइल भी थे और बाहर सपोर्ट भी थी कि हम बाहर रुक सकते थे, अपनी पूरी लाइफ अब्रॉड हाँ गुजारते, मुझे, बट क्योंकि एक विजन था पाकिस्तान के लिए, बींग ए पाकिस्तानी, बींग ए मुस्लिम पर्सन, कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, दैट्स व्हाई आई एम हेयर, और चीज़ों को सस्टेन करना है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुनती। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, एक मॉडल रोल मॉडल विलेज बनाना चाहता हूँ मैं, SDGs का, सस्टेनेबल के 17 गोल हो और हर गोल पे एक काम हो रहा हो, तो 5 एकड़ की कम से कम हमें रिक्वायर्ड है कोई जगह। तो हमने भी दरख्वास्त दी है, आपके चैनल के तवसुल से भी कह रहा हूँ कि शायद अकवाम वाला तक मेरी ये बात जाए और वो जगह हमें मिल जाए, और प्योरली वहाँ पे चैरिटेबल काम होगा, कोई हम उसमें कमर्शियल काम नहीं करेंगे, गुड हम तो करना चाहते हैं। गुड कुछ गुड, स्टेक ऐसे होल्डर लोगों को फिर जो लोग मरीज हैं हर तरह की बीमारियां वहां पर ट्रीटमेंट होगी जी, वहां पर। ऐसे ही है बिल्कुल, ओके गुड, खास तौर पे जो लोग जल जाते हैं ना, बर्न, ओहो, उसमें इस मेरा पे बड़ी स्पेशलाइजेशन रिसर्च। भी है, मेरा ओके PhD उसमें है, मैं चाहता हूँ कि उस पर काम किया जाए। महबूब हसन निजामी साहब, ये बताइए कि अक्वामे मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ने, स्पेशली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 77 सेलिब्रेशन करे महबूब हसन निजामी 24th को इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं फेडरेशन हाउस में। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि हर साल हम अक्वामे मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशन की सेलिब्रेशन रखते हैं, ताकि SDGs फ्रेमवर्क में जितना भी काम हो रहा है पायदार तरक्की के अहदाफ में, 17 गोल, मिलकर काम करना, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो हम लोगों को कम्युनिटी बेस पे सोशल एंगेजमेंट में लेकर आते हैं, ताकि वॉलंटियर्स जमा हो, स्टेक होल्डर, बिजनेस कम्युनिटी जमा हो और इस फ्रेमवर्क को समझे कि SDGs क्या है और अक्वामे मुत्तहिदा के साथ क्यों मिलकर काम किया जाए। अच्छा, बड़े एजाज़ की बात है, ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें पूरे वर्ल्ड में इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा जो है लोग जी पजीराई है, यूँ भी कहेंगे अप्रिशिएट बहुत करते हैं, और सब लोग इसके साथ ज्वाइन होने में बड़ा एजाज़ समझते हैं, और महबूब हसन निज़ामी ऑफ कोर्स प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, तो क्यों ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी ज्वाइनिंग इनके साथ है, आपकी अटैचमेंट इनके साथ है, और एक बड़ा इवेंट आप इनके साथ जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करें, 24th को सेलिब्रेट करें, इट्स ऑनर टू अस। मैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताएं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी आप इनके साथ सेलिब्रेट करें, पाकिस्तान में इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन तो हम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेलिब्रेशन करने के साथ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स इसमें बुलाए जाएं, डेढ़ दो घंटा लोग सुने, तो वो जो तालीमी काबिलियत है ना, वो आपकी यहाँ पहुँच जाती है, क्या बात, स्किल डेवलप हो जाता है, आपकी सोच तब्दील हो जाती है, एक अच्छा मैसेज आपको देने होता है सोसाइटी को, लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि हमारा ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम क्या है, हेल्थ सेक्टर में किस तरह काम किया जाए, गुड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा हूँ उसे पढ़ाए, कैसे गुड, पढ़ा सकते हैं। तो ये SDGs वो फ्रेमवर्क है, थोड़ा समझ में इसके इंडिकेटर्स पे काम करने की ज़रूरत है,
और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि इसमें अब काम बेहतर अंदाज में काम किया जाए। और इसमें एक हमारा एक इमेज भी होता है पॉजिटिव और पीस का, ऐसे ही है बिल्कुल, कि पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं और वो एक पीस का पैगाम दे रहे हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं और एक पॉजिटिव वेव्स दे रहे हैं। ऐसे ही हमें मिलकर करना है ना काम, क्योंकि एक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम है वो पीस में बहुत अच्छा है, हम खराब नहीं है। गुड, हम खराब नहीं है, हम खराब कम नहीं है, हमारा बहुत अच्छा मुस्तकबिल है, सिर्फ हमें कुछ चीज़ों की कमी है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप जिस तरह एक पीस का पैगाम, पॉजिटिव इमेज अपनी यूथ को, अपने लोगों को लेके चल रहे हैं, तो ये सारी जो लोग इस वक्त हमें भी देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आपके साथ ज्वाइन हो और हम इसी तरह अपने वतन को निखारते रहें, बढ़ाते रहें। और जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, महबूब हसन निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और हमारे दरमियान इंसान दोस्त, जहाँ पर नाम आएगा वहाँ महबूब हसन निज़ामी का नाम आएगा, एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी महबूब साहब, फ्लड ऑफ़ कोर्स 2-3 महीने हो गए और लोग उसके ऊपर, इस डिज़ास्टर के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो आप अपना वहाँ का ज़रा हालात बताएँ, कैसे काम किया, कैसे लोगों को तकलीफ़ है, और आप ख़ुद भी, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली जब सैलाब आया तो कितनी परेशानियां लेके आया है, लोगों के फ़ोन आने लगे, कुछ हमारे कम्युनिटी बेस पे हम काम करते हैं तो हम अपनी गाड़ियों से, अपनी एम्बुलेंसेस से गए, इंटीरियर सिंध में भी गए, बलूचिस्तान में भी गए, बड़ी ख़राब सूरत हाल थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, लोगों के घर, मवेशी, माल सब कुछ बह गया, लोग सड़कों पर आ गए, जो करीबी रास्तों में थे कुछ के तो घर पूरे तबाह हो गए थे, वो मूव कर गए अपने अपने रिश्तेदारों में या दूसरी जगहों पर, जो पूरे पूरे गोट तबाह हो गए हैं वो इस कदर कि 4-4, 5-5 फिट पानी, ऐसा लग रहा है समंदर, अगर हद नज़र तक आपको समंदर नज़र आ रहा है कि पानी और पानी खड़ा है, कुछ नहीं है, यानी रोड भी नज़र नहीं, रोड भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ज़मीन दिख ही नहीं रही है ऐसे ऐसे, और मिलो नज़र आ रहा है कि सिर्फ पानी खड़ा है। बहरहाल अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए, इस सूरत हाल में भी हमारी NGO ने, निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा काम किया, लोगों को कपड़े देने की सूरत में, उनको राशन खुराक देने की सूरत में, मेडिकल कैंप्स की सूरत में, मच्छरदानियाँ दी, क्योंकि पानी में खड़े हुए जो मच्छर पैदा हुए उन्होंने कितनी बीमारियाँ पैदा कर दी। अब जो सिनारियो चल रहा है वो उनको सस्टेन करने की तरफ जा रहा है, कि रिहैबिलिटेशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। अब जो मेडिकल कैंप्स की हमारी टीमें काम कर रही हैं, कल भी हमारा एक कैंप है मीरपुर के पास और टंडो जाम मोहम्मद में और मीरपुर खास में, इस तरह के सर्विसेज यूँ देते हैं कि अब जो बच्चे हैं छोटे, उनको मच्छरों से तो बचा लिया वालदेन ने, भूख से कौन बचाए, तो मुख्तलिफ इदारे उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसी दौरान हमें माजूर बच्चे मिले कुछ जिन्हें पोलियो था, उनकी माँ ने कहा बेटा ये तो मैं गोद में भी नहीं उठा सकती, मैं सामान उठाऊं घर का जो बह रहा था, अपने आप को बचाऊं या बच्चों को उठाऊं, दिल ही भर गया। कुछ 7-8 ऐसे बच्चे हमें मिले हैं, हमने उनका रिकॉर्ड बनाया है पूरा, इंशाल्लाह जिसको आर्टिफिशियल लेग लगेगी या आर्म लगेगा, हाथ लगेगा, वो हम लगा के देंगे। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो इस बहुत ख़तरनाक और बहुत नाकाबिले बयान सूरत हाल थी और है अभी तक, लोग फेस कर रहे हैं, और ये कम से कम साल सस्टेन करने में लग जाएगा तमाम चीज़ों को बेहतरी। आपने वहाँ मेडिसिन प्रोवाइड की? जी जी मेडिसिन हम, क्योंकि आपने मुझे भी बताया था कि आप मेडिसिन लेके जा रहे हैं
और आप इसी तरह बीच में डे बाय डे, जैसे जब होता है आप मेडिसिन कलेक्ट करते हो देन वहाँ पर फॉरन जी फॉर जी अपने पास ज़्यादा रखते नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस वक्त मुस्तहिक उनको तक पहुँच जाए, और इस तरह मच्छरदानियाँ या मेडिसिन हैं तो वहाँ पर इस वक्त ख़वातीन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी। ख़वातीन को जो प्रॉब्लम थी वो तमाम हम सामान ले गए थे अपने साथ, उसमें ओके मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, नबी कसम फार्मा ने हमारे साथ बड़ा माशा ताउन किया माशा कि माशा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन, हमें कई लाख रुपए की मेडिसिन दी बड़ी और बात वो है। हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके आए। जहाँ बुखार खांसी नज़ला था ओ वहाँ मौत थी। मौत क्या थी कि ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, बारिश भी हो रही है, अल्लाह, खाना कैसे पकाएं, चूल्हा ही ओ नहीं जला सकते, फिर अल्लाह, बीमारी। तो बस हमारे मुल्क के लोगों ने बड़ा काम किया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क दिया है अल्लाह ताला ने कि हर शख्स ने अपना रोल प्ले किया है, और मैं समझता हूँ हम ही अकेले नहीं, वहाँ हर बहुत शख्स निकला हुआ था। उस शख्स ने, खास तौर पे कराची के लोग निकले हुए थे, उन्होंने जितना काम किया है ना लोगों के माशाल्लाह लिए, माशाल्लाह, आपको दिल कपड़े खुश हुआ दिए। होगा कि चलो मैं यार। देखें, मैं खुश रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जितना हम काम करते हैं, हमारे पास वॉलंटियर्स की टीमें ज़्यादा हैं। इस मुल्क में माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने एक सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन जो लोग हैं ना, मदद करने वाले, वो आए हमारा मुल्क और कराची है। हमारे सही कहा, कराची के इसमें लोगों कोई के पास शक बड़ा नहीं। जज्बा है, आए बड़ी माशाल्लाह, हिम्मत है, और अल्लाह ताला ने शहर को बहुत कुछ दिया है। कोई मसला खड़ा हो जाए, आप देखें तमाम कौम, तमाम शहर एक साथ खड़ा हो जाता है। कितने कैंप लगे, कितनी गाड़ियाँ गई हैं, कितने बड़े बड़े इदारों ने ट्रक भर भर के भेजे, कैसे मुमकिन हुआ? ये अल्लाह ताला दिमागों में और दिलों में डालते हैं तो ये काम बेशक हो जाते हैं। इंसानियत की बेशक मदद का काम था, सबने मिलके किया है, और हमारा मुल्क जो है, मैं समझता हूँ कि ये हमें अल्लाह ताला ने तोहफे में दिया है, और इसको बचाना, इसको संभालना, इसको संवारना हमारा और आपका काम है। माशाल्लाह, आपके दिल में इतनी हुब्बुल वतनी, इतनी चाहत अपने पाकिस्तान, पाकिस्तानियों से, अपने दोस्त बहन भाइयों से और लोगों की मदद करने का एक जज्बा, ये अल्लाह पाक ने आपको गॉड गिफ्टेड दिल बनाया है जिसका, और आपके अंदर मोहब्बत, आपकी आंखों में एक चमक अपने वतन की, आपके दिल के अंदर जो एक आगे लफ्ज़ों में निकलता है पैगाम, वो अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। और आपने ये भी कहा कि मैंने बाहर स्टडी हासिल की, डिग्रियाँ ली, लेकिन आप खिदमत के लिए अपने मुल्क ही आए। और मैंने देखा आप अपने बेटे को भी अपने साथ रखते हैं, उसका नाम है हसन, नजमुल हसन मेरा नजमुल बेटा, जी हसन, उसको अपने साथ रखते हैं, और वो उसको पूरा, आपने देखा मैंने कुछ इवेंट्स में गई हूँ, और आपने उसको अपने एक समझ लें, वो आपका, मैं ये कहूँगी, दुआ करूँगी वो आपकी परछाई बने, जिस तरह आपके अंदर आमीन। हुब्बुल वतनी है और आपके अंदर एफर्ट है अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोचने की। ये सोच जो है, ये पाकिस्तान जो बना है वो एक सोच की वजह से बना है। अल्लामा एक मोहम्मद इकबाल ने सोचा, कायदे आजम के एफर्ट और बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों ने मिल के जो एक हमारा ख्वाब, अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ। तो ये क्रिएशन है, अब आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है, आपकी वर्किंग में देखती हूँ, और जब भी पाकिस्तान में कभी भी डिज़ास्टर आए तो महबूब हसन निज़ामी फ्रंट पे आए, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है, हम काम करते हैं। बल्कि मैं अभी जो बलूचिस्तान में वर्क हुआ है, मेरी मिसिस भी मेरे साथ थी, वो कहने माशाल्लाह। लगी भाई मुझे बलूचिस्तान अब जा रहा है, मुझे आपकी टीम का हिस्सा बन रहा है, एज अ वॉलंटियर मैं काम करूँगी। आप देखें लास्ट हमने कोई 7 कैंप लगाए बलूचिस्तान, बिंदर वगैरह में जाके। रियली? जी, अच्छा, वैसे और काफ़ी काफ़ी मैंने देखा है, जैसे सॉरी बलूचिस्तान, KPK, सवात वगैरह, और ये इंटीरियर्स बहुत तबाही नहीं हुई है, मतलब जी हाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा, शहर, हम दही इलाके बहुत मुतासर हुए। बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए इलाके, फसलें ख़त्म हो गई, कई अरब रुपए का नुकसान है पाकिस्तान को, क्या अरबों रुपए समझते का हैं है। वैसे आप, माशाल्लाह इतना इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या समझते हैं पानी आने की इतनी रीज़न कैसे हुई? वैसे इतना आता नहीं है। असल में हमारी यहाँ डैमों की कमी है, अगर हम ओके, छोटे छोटे डैम्स बना दें तो ये नहीं तो ये होता, पानी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है ना, बारिश का पानी ये है। बिजली का मसला हर वजह। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में हमें जो पानी की किल्लत हो जाती है, अगर हमने इस पर सोचा होता कभी कि अपनी जाती मामलात में नहीं आते हम आए और हाय, कुछ आज डैम इतने बना लोगों के देते, घर नहीं घर उजड़ते, तबाह नहीं होते। और इन्होंने अपनी आंखों से, मैं तो मॉर्निंग शो में बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनके दिल भर आते हैं, और उनके अपने जिनके बिछड़ गए हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, और आपने वहाँ खुद जाके लोगों से मिले, कितने लोग मेरे ख्याल में वापस आते, उनको काफ़ी दिन तक नींद नहीं आती, ऐसे ही है, और उनको फील होता है यार अभी वहाँ पर ये चीज़ कमी है। कुछ लोगों की डेथ भी हो गई इस वजह से, पानी के पानी मच्छरों में से। लोग बह गए हैं, बच्चे बह गए हैं पानी में, पता नहीं चल सका वालदैन को, हज़ारों जानवर, भेड़ बकरियां गायें सब बह गई हैं, लोगों की फसलें, करोड़ों रुपए की लोगों की फसलों में पानी खड़ा है, फसलें तबाह हो गई हैं। हम बहुत ज़्यादा
खसारा कर चुके हैं, यानी कि अभी हम अपने अपनी मुल्क ना को पीछे अहली की वजह ना से। अहली, और अभी हमें 10 जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतनी 10-15 साल और पीछे चले। ऐसे ही है बिल्कुल। आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे काम किए हैं, आपने जाते रहते हैं, विजिट है कभी आप, मैं पूछती हूँ तो कभी आप कहते हैं इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में हूँ, श्रीलंका और बांग्लादेश, अच्छा अच्छा टर्की गया हूँ, उधर गया हूँ, और डिफरेंट कंट्री में आपका विजिट होता रहता है, क्या कंपेयर करते हैं यार? वैसे तो आपके अंदर बहुत हुब्बुल बत्ती है, तो कहाँ आके महसूस करते हैं हमारे मुल्क में ऐसा होना चाहिए? हमारा मुल्क सिर्फ दो बातों की वजह से पीछे है। ओके, हमारे मुल्क में टैलेंट नौजवानों के अंदर जो है ना जी, हम अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे रहे अपने बच्चों को। ओके, अपने पाकिस्तानियों को, यूथ के अंदर इतना टैलेंट है, सिर्फ इन्हें सोशल एंगेजमेंट में रखा जाए और गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि कुछ छोटे अमाउंट उनको सस्टेन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उन्हें दिया जाए। ऐसी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि नौजवानों को डिग्री लेने के बाद 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का एक लोन दिया जाए ईजी उसमें। तो बच्चे, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा टैलेंट है ना कि हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। सिर्फ बच्चों को, जो नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटी से बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, आप देखें ना इस वक्त कराची का ले लें रेशो, पंजाब का ले लें, इस्लामाबाद का देख लें, आप केपीके का ले लें, एजुकेशन एजुकेशन पे बात हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल अच्छा, नहीं है। आप, मैं समझ रही हूँ आप कहना चाह रहे हो, रियलिटी यही है कि ऑफ कोर्स एक बंदा 20 साल की उम्र को क्रॉस करेगा तो ऑफ कोर्स उसको रोजगार की जरूरत होगी, तो अगर उसको पहले से ही स्टेबल कर दिया जाए, उसको मालूम हो कि यार ये चीज़ मुझे किसी की मोहताजगी नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, मैं खुद स्टेबल हो सकता हूँ और स्टडी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो ये जो क्राइम है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इंसान के अंदर जो एक एक वर्ड होता है ना कि मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो इस वजह से भी ख़त्म हो जाती है, उसकी हौसले भी बड़े ख़राब हो जाते हैं और वो डिस्करेज महसूस करता है अपने आप को कि यार मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, तो सेल्फ मेड भी बन सकता है वो, इजीली अपनी कोई जॉब कर सकता है या कोई अपना ऑन बिजनेस रनिंग में डाल सकता है, सेमी सिस्टम में होता है, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, तो वो किसी की मोहताजगी से ही बच जाए, लेकिन वो यहीं पर आके लैक हो जाता है और उसके फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, ये सब हमारे सामने आती है। लेट सी, डॉक्टर सैयद महबूब हसन निज़ामी, चेयरमैन निज़ामी हेल्थ एंड एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ थे, और मैं जाते जाते उनसे एक ज़बरदस्त मैसेज लेना चाह रही हूँ, दिल तो नहीं करता, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एक VAP हमारे गेस्ट, और टैलेंटेड और हुबुल वतनी से भरपूर सरशार, डिफरेंट अवार्ड्स एंड मेडल जिन्होंने लिए, उनकी गुफ्तगू ख़त्म हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। इनके बारे में मैं जितनी भी बातें करूँ वो कम है, क्योंकि जो अपने पाकिस्तान के साथ सिंसेरिटी से चल रहे हूँ, जिनके अंदर पाकिस्तानी हुबुल वतनी बहुत उरूज पर हो, उनके साथ कभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। वेरी टैलेंटेड पर्सन, और मैं जाते जाते सर, मैं दिल तो नहीं करता लेकिन अभी टाइम प्रोग्राम का ख़त्म होने वाला है, अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अपने नौजवान नस्ल को जी, कि अपने वालदेन की खिदमत करें, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको इतना चाहें कि उनको उफ़ की ज़रूरत ना हो, और यही आपका मुस्तकबिल है। बस सारी कायनात इस दो जुमले में है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया और सरकारे दो जहां ने भी, हज़रत अली ने भी यही फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो पूरी कायनात इन दो अल्फाज में छुपी हुई है। जिन लोगों ने अपने वालदेन की खिदमत की है ना, आप देख लें, वो रोल मॉडल थे हमारे हकीम सईद साहब, हमारे डॉक्टर रुतफाओ जर्मन छोड़ के पाकिस्तान आ गई, और एहदी साहब को देख लीजिए, ये हमारे रोल मॉडल हैं। इनका अगर आप बैग जाके देखें ना, इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा बातों में यही कहा है कि मैंने अपने वालदेन के पैर दबाए। तो जो पैर दबाने का मसला है ना, एजुकेशन देखें, हर चीज़ हटा दीजिए, सिर्फ अगर हम एक कौम होना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की जितनी खिदमत हो सकती है इतनी करें, आप फिर ऐसे इंसान बनेंगे ना, शायद डॉक्टर महबूब बन जाए। आए आपने सारी बात एक दरिया को कूजे में डाल दिया, और मैं आपके बारे में एक ही बात कहूँगी, जिस तरह आपने कहा मेरे वालदेन की दुआओं का है, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, और मैं आपके लिए ये जुमला कहूँगी कि आपने अपना रास्ता खुद बनाया है, और बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। और जी थैंक यू सो मच, महबूब हसन निज़ामी का नाम जब भी आएगा, इंसान
दोस्त का नाम आएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज़।